हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है तरंग। बीच में मैं तरंग इसलिए टॉपिक लेकर के आया हूँ, और वीडियो की सीरीज चल रही होगी, लेकिन ये तरंग मैं इसलिए लेकर के आया हूँ जिसमें कि कुछ डाउट्स रह गए थे कुछ स्टूडेंट का, इस कारण से मैं तरंग को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इससे पहले ये एक्चुअल में है क्या कि ये साउंड चैप्टर से रिलेटेड है, ध्वनि से रिलेटेड है। तो तरंग को पहले समझते हैं और उसके बाद मैं इसमें आगे डिटेल्स बताऊंगा आपको कि और क्या क्या चीज़ जानने ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तरंग जो है वो एक प्रकार का विक्षोभ है, जैसा कि आपको लिखा हुआ होगा। और इसके अगर ये विक्षोभ है तो इसके लिए क्या होगी, तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता, माध्यम में संचरित होगी। परंतु जिस तरंग के बारे में बात कर रहा हूँ वो तरंग कौन सा है वो भी आपको दिख रहा होगा, वो है यांत्रिक तरंग, यानी कि मैकेनिकल वेव। जो भी मैकेनिकल वेव्स होते हैं उनको मीडियम्स की आवश्यकता होती है, वो बिना मीडियम्स के ट्रेवल नहीं कर सकता। और एक होता है अयांत्रिक तरंग, जिसे नॉन मैकेनिकल भी बोलते हैं, जिसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि मीडियम हो ही। उसके भी एग्जाम्पल मैं प्रस्तुत कर दूंगा। इसके लिए बोला जाता है कि वे तरंगे जो माध्यम के कण की गति द्वारा अभिलक्षित होते हैं यांत्रिक तरंग कहलाते हैं। मतलब मीडियम में जो पार्टिकल्स होता है वो उसको एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं यांत्रिक तरंग। देखिए, तरंग में क्या है कि यांत्रिक तरंग के बारे में कि जैसे मान लीजिए कि जैसे ये है, यहाँ पर तरंग अगर उत्पन्न हुआ है, अगर इस छोर तक पहुँचा है, तो इसका मतलब मीडियम जो है इसी मार्कर को बनाया है वो। इसे समझने के लिए आप लोग बचपन में एक गेम खेले होंगे जिसमें कि माचिस के डब्बे में धागे को बांध करके दूर अपने दोस्त को हेलो हेलो बोल करके देख रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब आप बोल रहे होते हो तो आपका जो साउंड जो है वो एक कंपन को उत्पन्न करता है, और वो धागे के माध्यम से उनके कानों तक पहुंचता है। तो ये कंपन है जिसमें कि मीडियम जरूरी होता है एक जगह से दूसरे जगह तरंग को गति कराने के लिए। अब यहाँ पर इसके दो प्रकार हैं, मैंने यहाँ पर देखिए तरंग गति के बारे में बताया, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल हैं। हवा में ध्वनि का तरंग जो है वो यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, जल में उत्पन्न तरंग यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, भूकंप के कारण से उत्पन्न जो तरंग होते हैं वो क्या है, वो भी यांत्रिक तरंग में आते हैं। ठीक है, अब बंधु ये जानते हैं कि यहाँ पर है कि तरंग गति के प्रकार, मतलब तरंग गति के क्या प्रकार हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तरंग गति जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक है हमारा अनुप्रस्थ तरंग गति और दूसरा है हमारा अनुदैर्ध्य तरंग गति। अनुप्रस्थ तरंग गति यानी कि ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में जानते हैं यहाँ पर, कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है और ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, ट्रांसवर्स वेव जो है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, जब ये तरंग गति क्या होता है, मीडियम में ट्रेवल करता है, तो ये अपने माध्य पोजीशन, जो इसका जो मीन पोजीशन होता है उसके लंबवत ये ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक दीवार है जिसमें कि हुक बनी हुई है, हुक लगी हुई है, और उसी से क्या है, उसी में जो है मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर है और एक धागा बंधा हुआ है, जिसे क्या करते हैं हैंड के द्वारा जो है यहाँ पर हिलाते हैं, तो तरंग की गति वो इस प्रकार से ऐसे करके हो जाती है, इधर हो रही है। इसमें दो चीज़ें बनी है, एक बनी है स्ट्रिंग और एक बनी है गर्द। तो मैंने क्या बताया कि अनुप्रस्थ तरंग गति जो होती है वह अपने माध्य पोजीशन, ये जो पोजीशन है इसका, ये जो पोजीशन है, एक अपना जो मीन पोजीशन है इसका, अपने जो माध्य स्थिति है उसमें लंबवत है। ये क्या है, लंबवत है, लंबवत दोलन करते हुए क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग गति वैसी तरंग गति है जिसमें माध्यम के कण अपने माध्य स्थिति में लंबवत दोलन करते हुए आगे की ओर गति करती है। तो वैसी तरंग गति को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुप्रस्थ तरंग गति बोलते हैं। मे बी आपको ये डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, आप लोग क्या करेंगे इसको स्लो करके आप इसके डिफिनेशन को लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पर जब ये ट्रेवल कर रहा है तो इसके दो पार्ट्स बन रहे हैं, एक ऊपर का टेल और नीचे का जो है ना गर्त बन रहा है यहाँ पर, तो
तो जो टेल पार्ट ऊपर के हैं जो भाग है उसे हम लोग कहते हैं श्रिंग, और जो नीचे के भाग है उसे क्या कहते हैं हम लोग, गर्द कहते हैं। नीचे के भाग को गर्द कहते हैं, ऊपर के भाग को श्रिंग कहते हैं। अब आता है हमारा अनुदैर्ध्य तरंग का, अनुदैर्ध्य तरंग गति क्या होता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग गति जो है, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन जो है वो क्या होता है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसके लिए जो है अनुदैर्ध्य तरंग गति जब एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है, ये अपने मीन पोजीशन में आगे पीछे दोलन करता है। आपने स्प्रिंग देखा होगा, ये अपने मीन पोजीशन में क्या करते हैं, अपने आगे पीछे दोलन करते हुए क्या करता है, ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो आपको नजर आ रहा होगा इसमें क्या है, एक बार ये क्या गया आगे की तरफ गया, फिर ये बैक आया, फिर ये आगे की तरफ गया, फिर बैक आया, और इस तरह से ये करते हुए गति करती है। तो अब इसके बारे में पूछा जाए अनुदैर्ध्य तरंग गति किसे कहते हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंग गति वैसी तरंग गति है जिसमें निमाद्य अपने मीन पोजीशन में वो आगे पीछे दोलन करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तो वैसी तरंग गति को आप क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग गति कहते हैं। दोस्तों यहाँ तक मैंने बताने का प्रयास किया है, आपको आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को देखें, और अगर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर करें। आपका कोई और क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो, कुछ और सेक्टर से आपको अगर वीडियोस चाहिए तो मैं आपके लिए जरूर बनाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।